संवाद के प्रायोजक है स्प्रिंग कैफे एंड रेस्टोरेंट मशाल चौक नानी दमन, सह प्रायोजक है प्रीति कैनल डॉग ट्रेनिंग पॉइंट होटल वंस स्पेशल काठियावाड़ी नेशनल हाईवे नंबर 48 शिव इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज तथा टच स्क्रीन डिजिटल शॉप वलसा। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। प्रेस का कार्ड लेकर पुलिस की खाकी रंग का शर्ट पहनकर बड़ी सी गाड़ी में सवार होकर, जैसे कि कोई बहुत बड़ा नेता हो या बहुत बड़ा कोई अफसर हो, इस प्रकार से वेशभूषा में शराब और 1.5 लाख रुपए नगद के साथ दो आरोपी पुलिस के हाथों पकड़े गए। पार्टी हाईवे के पास खड़की के पास गाड़ी नंबर है GJ15CA7600, गाड़ी के अंदर शराब और 1.5 लाख नगद के साथ दो आरोपी पकड़े गए हैं। चौंका देने वाली बात यह है कि दो आरोपियों में से एक आरोपी धर्मपुर का, जिसका नाम है मुकेश मोदी, उसके पास प्रेस कार्ड भी पाया गया है, साथ में खाकी रंग यानी पुलिस के वर्दी यानी कि खाकी रंग का शर्ट भी पहना हुआ पाया गया है। जब इस गाड़ी को नेशनल हाईवे नंबर 48 पर रोका गया तो इस गाड़ी के अंदर लगभग 92 शराब की बोतलें, जो 25,400 रुपए के साथ में 1.5 लाख नगद के साथ कुल 5 लाख से भी ज्यादा का रकम जब्त किया गया है। हरे रंग के शर्ट में मुकेश अरविंद मोदी, जो धर्मपुर के रहने वाले हैं, वो काफी समय से पुलिस के नजरों से वो वांटेड हो चुके हैं और सूत्रों के अनुसार उनके साथ भी सूरत के ही आशीष मोदी, जो अडाजन के रहने वाले हैं, अब ये दोनों आरोपी जेल में है। सबसे बड़ा मुद्दा ये उठकर आ रहा है कि प्रेस कार्ड के साथ और खाकी रंग के शर्ट के साथ पाए जाने वाले मुकेश मोदी नाम का धर्मपुर का रहने वाला व्यक्ति, जो प्रेस कार्ड के साथ ऐसे ऐसे काम भी किया जा रहा है जो पूरे मीडिया जगत के लिए एक भयानक बात हो सकती है। प्रेस कार्ड एक सम्मानित कार्ड माना जाता है और साथ में खाकी रंग वो सुरक्षा कर्मी का जो रंग होता है उसे सम्मान के साथ देखा जाता है। समाज के लिए ऐसे व्यक्ति जो प्रेस कार्ड और खाकी रंग के शर्ट का इस्तेमाल करते हैं अपने सिर्फ फायदे के लिए, दुरुपयोग करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे लोगों की कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ से, धन्यवाद।